तो चलो यहाँ पे जाना है अभी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे मतलब कुछ तो क्रिमिनल्स टाइप आया है जिनको हमें पकड़ना है। तो वो कुछ गलत चीज़ें लेके जा रहे हैं बॉर्डर के पार। तो दो आए हुए हैं, तो एक की इन्फॉर्मेशन, पर्सन की इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है। व्हीकल टाइप जैवेड है और व्हीकल कलर वाइट है। और मतलब हिडन लोकेशन, हाइड लोकेशन है कैबिन। और भैया ये है उस्मान, उस्मान। तो ठीक है, देख लेंगे यार उस्मान और एक गाड़ी जा रहे। तो ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए सर। हमारे कंट्री में अबे सर को सब कुछ पता होता है तो अंदर से क्यों बताते, बाहर आके चेक करें ना। बोल रहे हैं आ गया एक सस्पेक्ट, देखते अभी क्या है इसका मतलब। चलो डॉक्यूमेंट दो सर। नाम चेक कर रहे हैं, सही है नाम। ओ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। परमिट गलत है सर, परमिट गलत है, गलत है। और गाड़ी का टाइप मतलब वहाँ पे थी दिया हुआ है वही है। तो मुझे लगता है एक बार रुको, पूरी इन्फॉर्मेशन होने के बाद देखते हैं। पर लग रहा है यही है, लग रहा है। तो मैप नहीं चाहिए ना। ओह शिट, यही है, डर लेना पड़ेगा। अंकल जी बाहर आना पड़ेगा आपको। तो कहाँ गया था? केबिन, केबिन केबिन मतलब वहाँ पे बैठते हैं, सीट वीट्स होते हैं तब वहाँ पे। तो नाइफ लेना पड़ेगा हमें। तो अंकल जी कुछ निकला अंदर? तो देखो भैया ये चाकू आपके पेट में घुसा दूंगा और एक मुंह पे टकले पे मार दूंगा, पहले बता रही हूँ। चलो जी, कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। ओ वेपन्स, वेपन्स इधर से देख लेता हूँ। ओ इसमें क्या है? अल्कोहल, मतलब क्या क्या लेके जा रहे थे भैया आप सर? डर गए अभी। अरे ड्रग्स, ड्रग्स, अरे गिर गया, गिर गया। अंकल उठा लेंगे फिर से। उठा ले रे बाबा। अंकल आप तो गए अभी, आपको अभी धर लूंगा मैं। रुको अंकल आप तो अभी। अरे भाई इसमें भी क्या क्या मिल गया भाई, कोकेन। बाप रे अंकल, आपके तो मजे ही चल रहे। क्या उधर के सस्ते नशे करने वाले थे? ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है। तुझे से मैंने वादा किया था, अबे घुसेड़ देना पेट में। अबे पंछी क्यों बन रहा है? क्या उड़ता उड़ते जाने वाला है क्या अंदर? तेरे तो एक टकले पे मारना ही पड़ेगा। हाँ उड़ो। तो अभी करना क्या है भैया? सब सामान तो हमारे पास है, करना क्या है? हाँ अरेस्ट करने का ऑप्शन है, अरेस्ट करना पड़ेगा। सीएम रखो फिर। हाँ क्या सीएम की पहचान दिखा रहा है लगता। तो ये बंद कर दिया, इनसे बात बात तो नहीं करनी। तो यहाँ पे क्या करना है? सामान रखना है मतलब यहाँ पे हमारे पास ये मतलब जब कुछ मिला है, वेपन्स, अल्कोहल, कोकेन, कोकेन 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 मतलब ये सामान मिला है जो हमें स्टोरेज में डालना है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स आ गए, मतलब यहाँ से मैंने ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स में, तो मैंने मतलब मेरे पास जितना सामान था मैंने वहाँ पे रख दिया है, मतलब सबमिट करके। चलो यार, और गाड़ियाँ वेट कर रही है। तो ये गाड़ी कैसे जाएगी? अबे और गाड़ियाँ नहीं आ रहे। अरे अंकल जी के पास जाना है क्या? वही सोचो क्यों खड़े क्यों है ये इतनी देर से। चलो अंकल जी क्या है, साफ करवाने वाले। अरे भाई, अरे भाई निकाल भी दी। वाह
बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हो। सही है। और हमें वेपन्स लेने हैं, मतलब अलग अलग टाइप के, और आने वाले ना गाड़ियाँ, इसलिए तो ठीक है यार, ले लिए। तो अंदर आने दो और गाड़ियाँ, कौन सी हम डरते नहीं। तो यह बड़ी ट्रक आई है, इसमें अभी लग तो रहा है इसमें कुछ होगा, पर देखेंगे यार अभी। सर ये दरवाजा निकाल दिया मेरे को आपसे बात करने में, डायरेक्ट फेस टू फेस बात करनी अभी मुझे। प्रयोग सर आ दो, थोड़ा नीचे दो ना, आपकी बैठो आप। ये मैच हो रहा है सर का, परमिट देख लेते हैं, ये भी मैच हो रहा है, अंकल जी अच्छे लग रहे हैं। चलो ये भी मैच है, ये देख लेते लास्ट कर। तो 5800 तक वेट होना चाहिए, कितना वेट है देख लेते। सही है अंकल, चाकू रख देता हूँ भैया, डर जाएंगे अंकल जी। तो अंकल जी जा सकते, पर कुछ तो मिसिंग लग रहा है, फ्रंट बम्पर नहीं है, फ्रंट बम्पर नहीं है, और पीछे का बम्पर है। अंदर कुछ लेके तो नहीं जा रहे ना, चढ़ के देख लेता हूँ, कुछ नहीं है। चलो पीछे का, सामने का बम्पर नहीं है, या पीछे का भी नहीं है, सामने का लग रहा है। और कुछ, और ये यहाँ पे कांच टूटी हुई दिख रही है आपको, दिख रही है? तो ये एक शीशा टूटा हुआ है अंकल, तो आप जा सकते, पर आपको थोड़ा कुछ देना पड़ेगा। ब्रोकन विंडो एक, लाइट्स ठीक है यार, मिसिंग मिरर नहीं है, बम्पर लग रहा है मुझे, और आप जा सकते हो। थैंक यू। जाओ निकलो अंकल, सही है तो है ना। चलो यार आने दो अगली गाड़ी। तो यार सही थे, हमें $70 मिल चुके हैं। तो यार आज इतनी कमाई तो करनी है, मतलब जिसमें से $300 भी कट हो तो कोई फायदा ना हो, दिन का खर्चा निकल जाए, मतलब खर्चा कुछ नहीं हमें, पर हो जाए यार सब। ये अंकल जो की गाड़ी ठीक है, नीचे है, नहीं तो वो तो भैया अंकल हवे में थे। तो ये देख लेते नाम ही मिस मैच है, पासपोर्ट भी मिस मैच, परमिट है क्या, डेट नहीं, ये भी नहीं है भैया। यहाँ पे ये मैच हो रहा है, पर मतलब अंकल कोई फ़ायदा नहीं। वेट 5750 तक चाहिए, गाड़ी का कितना है वेट? ठीक है अंकल जी, पर आपको जाना पड़ेगा वापस, फ्रंट बम्पर नहीं है, और कुछ है क्या? फ्रंट बम्पर नहीं है, तो लाइट तो है, ये भी ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर चेक ही क्यों कर रहा है, वापस तो जाने वाली। चलो अंकल वापस निकलो आप, नाम गलत है, एक्सपायर डेट है, पासपोर्ट नंबर भी गलत है, और कुछ नहीं यार, ठीक है यार इतना ही। फ्लैट टायर नहीं है यार, फ्रंट बम्पर मिसिंग था लगता, और क्या था, और इतना ही था लगता, याद नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। चलो अंकल जी ठीक है, एक ही मतलब का बम्पर मिसिंग है, आप मतलब ये गलतियाँ तो है, बम्पर मिसिंग है सिर्फ व्हीकल डैमेज में से। तो वो सोचोगे यार सब कुछ ठीक था तब क्यों नहीं जाने दिया। अरे यार, अरे गलती से परमिशन दे दिया यार अंकल जी, रुक जाओ अंकल। अबे उधर कैमरे की तरफ देखना, मतलब कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग हो रही थी, वहाँ पे देखने गया, यहाँ पे गलत हो गया। अरे रुक जाओ अंकल जी, अंकल अरे पीछे की कांच भी टूटी हुई है, मतलब अंकल जी रुक जाओ ना अंकल, प्लीज रुक जाओ अंकल, रुक जाओ, अबे रुक जाना अंकल, अबे तो बंद करना रे, अबे ये टकलाव जा रहा है, अबे रुक जाना अंकल जी, अबे क्या हो गया, गेम लैग हो गई भाई।
अरे रुक जाना, पहले ही पगार से कट रहे पैसे। अरे अंकल जी, गजब बेइज्जती है। अरे रुक जाओ, इनवैलिड पेपर चेक यार, इनवैलिड एंट्री थी, मतलब ज्यादा कम नहीं हुए, थोड़े कम हो गए, क्योंकि तभी मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी, इसलिए ज्यादा कम नहीं हुए। कोई नहीं, आने दो अभी अगला। गाड़ी का वेट कितना है? ओ अंकल जी डायरेक्ट तो नहीं जाते ना, रुक जाओ। कितना है वेट? 1290। Роскопропсаман. अंकल का नाम मैच हो गया, ये किससे मैच करना है? कोई नहीं, ये देख लेते हैं हम। जाने की डेट सही है, अंकल आप जा सकते हो, उसके पहले आपको आपका फ्रंट बम्पर मिसिंग है और कार टूटी हुई है। अंकल बैठ जाओ सामने, दोनों साथ में जाएंगे ना अंकल जी। अंकल जी भी देख रहे होंगे, या पुलिस ऑफिसर है या क्या। चलो अंकल जी, बाहर निकल जाता हूँ भैया। अंकल जी आप जा सकते हो, पर कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। ब्रोकन विंडो तो नहीं है, बम्पर नहीं है, और बॉडी डिफेक्टिव पार्ट, और आप जा सकते हो। और उस अंकल का मैंने, मतलब थोड़ी देर पहले वो गाड़ी गई थी, उनका मैंने ये भी दिखाया था कि मतलब उनका नाम गलत है, इसलिए मेरे ज़्यादा पैसे कटे नहीं। अबे रॉन्ग चेक कैसे कर दिया मैंने? डैमेज, अरे यार डैमेज का कुछ रह गया होगा। अरे पर यहाँ पे मेरा प्रमोशन हो गया, कॉन्स्टेबल बन गया मैं डायरेक्ट। चलो अभी थोड़ा अच्छे से काम करेंगे, जोश लगाएंगे, लगन से काम करेंगे, मतलब कमिश्नर बन जाएंगे और यहाँ पे ही खड़े रहेंगे। मजाक कर रहा हूँ। तो अंकल कमांडर कह रहे, ठीक है। उसको आत्मातूर, ठीक है, मैं भी सीख जाऊँगा जल्दी। ओस्मान मैच, ये भी ठीक लग रहा है बंदा, सब कुछ मैच हो रहा है ना, मैच हो गया। ये भी मैच है, आप जा सकते हो अंकल, पर कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा, डिफेक्टिव बहुत लग रहा है आपकी गाड़ी, आते आते ही बम्पर है भैया, और पीछे का बम्पर नहीं है, और ये गाड़ी यहाँ से टूटी हुई है, ये डिज़ाइन है भैया, नहीं टूटी हुई है, और ये कांच टूटी हुई है, पर रुको रुको रुको, ये आखिरी आदमी है, और ये आखिरी आदमी है, और ये नाम क्या है? उस्मान। और ये क्या है भैया? ये भी उस्मान है, मतलब इसका निकालना पड़ेगा। सर आपकी तो अभी, सर मैं आपको तो अभी भेजने वाला था भैया, सर पीछे बाहर आइए सर, थैंक यू सर मेरी बात मानने के लिए, ये दरवाज़ा लगा दो ना। अरे हाँ, धक्का नहीं देना पड़ेगा सर, प्लीज़ मेरे नाक का मत कटवाना, मैं आपको भेजने वाला था, कुछ निकल गया तो माफ़ कर देना खुद को और मुझे, क्योंकि मैं आपको गंदा सा पीटने वाला हूँ। अरे भाई निकल गया। वेपन्स निकले भाई, ये तो वेपन्स, ये क्या है? मनी। वे टायर में कौन पैसा रखता है? ये क्या है? टोबैको। ची विमल, अरे रे रे विमल लेके जा रहे हो भैया आप, मतलब विमल नहीं है पता है, पर पान विलास विमल ये अंकल, आपसे उम्मीद नहीं थी। अबे भैया इसमें भी विमल छुपा के रखा है, हथियार तो ये हो गया, अब यही लेना पड़ेगा।
अंकल आप विमल लेके जाते हो आपकी तो अभी निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। वे पंछी जैसे उड़ने लग जाते हैं भैया, क्या उड़ के जाओगे क्या? आपके टकले पे तो देनी पड़ेगी, क्या मारूंगा ना अभी। चलो अभी अरेस्ट करने का वक्त आ चुका है आपको। गेट इन कार क्यों, मतलब क्यों भेजूंगा भैया, इसको पकड़ना ही पड़ेगा। अंकल जी कुछ विमल पाल मिला कुछ भी लेके जा रहे थे भैया। सर नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद। अरे यार अपना देश थोड़ना है, इंडिया नहीं है यार। तो चेक स्टोरेज ये सारा दे देता हूँ यहाँ पे। अरे यार इसको एक ही काम करना पड़ता है, जो भी बताना पड़ता है कर दो साफ। चलो आज के दिन के लिए भी बहुत हो गया ये। अंकल जी कौन है ये अभी? अरे कंट्री का नाम है भैया, आर उल्टा लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चड्डी पे लिखा हुआ है बनियाने क्या, मतलब कुछ इसी। घर देख लेता हूँ यहाँ से, अंदर से तो देखने को नहीं मिलता। चलो जाते हैं अंदर, अभी क्या रेस्ट कर लेते हैं। तो यार दोस्तों ये आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। आपको ये मतलब इसका पूरा फुल पार्ट चाहिए तो बता देना यार, कमेंट कर देना। नहीं तो इंस्टाग्राम पे आपको मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही थी, प्लीज़ फॉलो कर देना। और आपकी गेमिंग के वक्त कुछ सजेशन होगी तो आप मुझे वहाँ पे भी दे सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, मतलब GTA 5 में कौन सी गाड़ी लानी है और क्या करना है वैसे। और इस गेम का फुल वर्जन खेलना है तो मुझे बता देना, मैं खेल लूँगा। ये अब सिर्फ डेमो वर्जन था, आपको चाहिए मैं पूरा वर्जन खेलूँ तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना, खेल लेंगे यार। तो ऐसे इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Here we are, the posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble.